हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ट्रेन, ट्रेन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए आदमी को वह कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, वह कितने समय को पार, आपको समय निकालना है। आपको दिया है रेलगाड़ी की लंबाई यानी L बराबर 360 मीटर, आपको स्पीड दे रखी है S1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको यहां पर मीटर दिया तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। कैसे बनेगा आपका, ये हो जाएगा 40 गुणा 5/18। ठीक, ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब आपका S2 ले लेंगे, आपका S2 आपका दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड, 5 गुणा 5/18। ठीक, मीटर प्रति सेकंड। अब आपका फार्मूला क्या है, आप ट्रेन जो लगाएंगे L बटे, ऐसे लगाएंगे T बराबर L बटे S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2। अब मान रखेंगे L कितना दिया आपको, L दे रखा है 360 बटे, ये आपका 40 गुणा 5/18 दे रखा है, प्लस S2 5 गुणा 5/18। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में 5/18 कॉमन है, क्या है 360 40 प्लस 5। ठीक, ये 5/18 जो है दोनों कॉमन, ये आ जाएगा आपका बाहर। अब ये क्या हो जाएगा आपका 40 5 45, यानी आपका 360 45 गुणा 5/18। अब 18 यहाँ लिख दें, 18 ले जाए ऊपर 18। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 × 3 = 15 कट गया, 3 × 6 = 18 फिर काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। ठीक, यहाँ बचे 5, अब देखिए क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, इस 5 × 5, अब 5 × 5 = 35 एक बचे 5 × 2 = 10 ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा है 72 × 2/5 72 × 2/5, इसको और करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 7 × 14/5। अब इसको क्या लिखेंगे, 28 = 4/5 क्या समय पूछ रहे सेकेंड, आपका ये आंसर कौन सा, ये है। अब ये आया कैसे, भाग देके देखेंगे, भाग देके हम बता रहे हैं आपको। अब आप देखिए 5 से भाग इसको 144 के लिए, 144 5 × 20, देखिए 5 × 10 आपका 10 4 आ गए, 44 5 × 40 4 आ गए, तो ये क्या किया है, 4 सही, ये क्या है 28 सही, 4/5 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अब समान दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय पार कर जाएगी। यहाँ पर पहले विपरीत दिशा था, अब यहाँ पर समान दिशा, समान दिशा में माइनस का चिन्ह लगेगा, विपरीत दिशा में आपका प्लस का लगेगा। अब L बराबर आपको दे रखा है, L बराबर आपको दे रखा है 180 मीटर। ठीक, आपको S1 दे रखा है 59 किलोमीटर, ठीक है किलोमीटर, इसको हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड, के लिए क्या हो जाएगा 59 × 5/18। ठीक, ऐसे ही आपका S2 दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको बनाएंगे हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18। ठीक, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक,
अब आपको टी निकालना है, यानी समय निकालना है टी। तो टी बराबर आपका जो है फार्मूला होता है एल बटे एस एस टू एस वन माइनस एस टू, क्योंकि यहां पर समान दिशा है। अगर यहां विपरीत दिशा होती है प्लस लगा देते। अब देखिए क्या है, एल बराबर 180 दे रखा है, ठीक, 59 गुणा 5 बटे 18 माइनस 5 गुणा 5 बटे 18, ठीक। तो ये क्या होगा, ये वाला जो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम निकाल देते बाहर। तो ये हो जाएगा 180 बटे 59 माइनस 5 बटे गुणा 5 बटे 18, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 180 बटे 54 और ये 5 और 18 पहुंच जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। अब देखिए 18 एकम 18, 18 तीन 54, अब 18 तीन 54, अब 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, ये वाला जीरो इधर आ गया। अब ये आ गए आपके 60 बटे 5, 5 एकम 5 कट गए, 5 एकम 5 एक बच्चे 5 होगी 10, यानी आपके 12 सेकेंड समय आ गया। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर आपका सी सी हो गया। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी एक ट्रिक है अपने पास। तो देखिए आपको दिया है L1 250, L2 दे रखा है आपको 220 मीटर, ठीक, अच्छा ये भी मीटर दिया है, ठीक। अब आपको दिया है स्पीड, S1 दिया है 39 किलोमीटर, किलोमीटर इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5 मीटर 18 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर 18, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड कर दिया किलोमीटर। अच्छा ये है अपना 51, पहले लिखेंगे 51, फिर आपका S2 हो जाएगा 39, इसको लिखेंगे 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब अपनी ट्रिक लगाएंगे, समय निकालेंगे, समय निकालने के लिए ट्रिक होगी अपनी L1 माइनस L2, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगी अपनी S1 प्लस S2, ये हो जाएगी। अब मान पुट करेंगे L1 कितना दिया 250 प्लस 220, अब देखिए ये दोनों बाहर पहले निकाल लें, सवाल ऐसे लिखते हैं 51 प्लस 39 और बराबर हम लिखते हैं 51 5 बटे 18 लिख सकते हैं, इससे पहले सवाल कर दिया है, तो दोनों में से हमने निकाल दी 5 बटे 18 निकाल देंगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे 470 बटे आपके, ये हो जाएंगे 3 एक 10 को 0 5 आठ 90 और ये 5 18 पहुंचा देंगे ऊपर, 18 पहुंचा देंगे हम ऊपर, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, ठीक, 18 पंजे 90, इस 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 नेम 45, दो बचेंगे 20 हो जाएंगे, 5 और 20 ये भी कैसे लोगे। अब क्या बचा 94 बटे 5, 94 बटे 5 के लिखेंगे 18 सही 4/5 सेकेंड, ऑप्शन आपका बी सही हुआ। अब ये आया कैसे, अब हम बताएंगे भाग देना, 5 से देंगे भाग 94 के लिए, देखिए 5 एकम 5 4 आ गए, फिर 4 5 8 40 फिर 4, तो ये 18 सही 4/5 सेकेंड, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है 300 मीटर तथा 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 62 मीटर प्रति सेकंड तथा 38 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। यहां पर ये L1 ये L2 ये S1 ये S2, ठीक है। अब आपको समय निकालना है, डायरेक्ट L1 दे रखा है आपको 300 मीटर
एल टू दे रखा है आपको 200 मीटर, ठीक। एस वन आपको देखा 62 मीटर प्रति सेकंड, और एस टू दे रखा है आपको 38 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहा है भाई, ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको किलोमीटर, अगर किलोमीटर होता तो 5:18 लगते, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी आपको। टी बराबर फार्मूला होता है एल वन प्लस एल टू बटे एस वन प्लस एस टू। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 300 प्लस 200 प्लस आपके क्या है 62 प्लस 38। अब जोड़ लीजिए इनको, क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएंगे बटे 8 2 10 को 0 और 6 3 9 1 10, यानी 100 हो जाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें, कितना आएगा 5 सेकेंड। आपका ऑप्शन ए सही है। तो वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।